नमस्कार, मैं भाषा और न्यूज़ क्लिक में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो किसान आंदोलन है देश की राजधानी को चारों तरफ से जिस तरह से किसानों ने घेर रखा है वह धीरे धीरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है और इसमें बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं वे कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़े हुए हैं, इसे नई ऊर्जा के साथ भर रहे हैं। आज देश की राजधानी में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, वे राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे, राष्ट्रपति को राहुल गांधी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर दिए, सिर्फ यह जताने के लिए कि 2 करोड़ और उससे अधिक लोग ये जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने पारित किए हैं इसके खिलाफ है। यह एक बड़ा पहला पॉलिटिकल मूव देश की राजधानी में हुआ, हालांकि बहुत लंबा इंतज़ार किसानों को इस मूव के लिए करना पड़ा। और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक से मीलों लंबी कतार लगाते हुए किसान निकल पड़े हैं दिल्ली में, धरना दिए किसानों के समर्थन में, और ये किसान जगह जगह जन जागरण करते हुए देश की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ नौजवानों से जो बैठे हुए हैं टीकरी बॉर्डर पर, और देखिए कितने आसान सरल शब्दों में वे बता रहे हैं कि मोदी सरकार का रोज़गार का जो वादा था वह 100% झूठा साबित हुआ। उनके अपने भी मुद्दे हैं, इसीलिए वे किसान आंदोलन के साथ न सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि इसे बड़ी ऊर्जा से भर रहे हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद इस आंदोलन को बहुत तीखा और धारदार बना रही है। एक चीज़ ये बताइए कि मोदी क्यों नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं किसान को समझ नहीं आ रहा, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? मोदी गवर्नमेंट की शुरू से ये प्रॉब्लम रही है कि इन्होंने जो भी फैसला लिया, चाहे वो धारा 370 हटाने का हो चाहे वो किसी और तरह का हो, सरकार जब भी एक स्टेप आगे जाती है सरकार उस स्टेप से पीछे नहीं हटती। इससे क्या होता है, सरकार ये सोचती है कि हमारा इससे लोगों में नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। सरकार ये नहीं देख रही कि किसानों की मजबूरी क्या है। आप भी देखें भी, आप भी रोज़ाना जीवन में रोज़ाना कई वस्तुएं वर्तती होंगी। अगर सरकार असेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है उसमें चेंज करने के बाद गवर्नमेंट ये कह रही है जितनी देर तक किसी वस्तु की कीमत 2 गुना नहीं होगी, सरकार उतनी देर तक कोई भी कार्रवाई उस व्यापारी या उस उद्योगपति या भंडारण करने वाले के विरुद्ध नहीं करेगी। आप देखो, अगर आज ही देख लें, कनक की जो MSP है वो 1900 रुपये है। अगर कल को कनक 3700 रुपये भी, अगर वो व्यापारी 1900 रुपये लेके 3700 रुपये दे बेचने पर भी अगर वो 3800 नहीं होगी, सरकार उतनी देर तक कार्रवाई नहीं करेगी। व्यापारी क्या करेगा, वो सस्ते में लेके 3700 कर देगा और महंगाई बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि देश का किसान ही नहीं, किसान को कुछ नहीं होने वाला। किसान का क्या होगा, आज अगर गेहूं 20 रुपये बिक रहा है या जो धान है वो 18 रुपये बिक रहा है, हो सकता है वो आने वाले टाइम में इन कानूनों के बाद 10 या 15 रुपये बिक जाए, पर जो देश का उपभोक्ता है सरकार क्या करेगी, उन चीज़ों की पैकिंग करके। एक आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा, अभी जो मक्की का आटा किसानों को रिलायंस मॉल से 150 रुपये किलो मिल रहा है, बट हम अगर किसान के पक्ष से देखें, जो हमारे तरन तारण वाले किसान हैं, जो पंजाब के होर हिस्सों के किसान हैं, उनसे यही मक्की 6.5 रुपये किलो सरकारी खरीद। तो सरकार कह देती है अभी हमने MSP लागू कर रखा है 23 फसलों पर। सरकार को इस बात से दिक्कत क्या है, अभी वो MSP को एक कानूनी जामा पहना दे भी, ये कानूनी ये प्रक्रिया है, ये MSP है एक फसल की, उससे नीचे सरकार नहीं खरीदेगी। सरकार को इसमें दिक्कत क्या है, सरकार ये आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। और कहाँ से आया? मैं पंजाब जलालाबाद से। मोदी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, जमा नहीं भरोसा, कोई भरोसा नहीं उसका। वो हर आदमी को अपने नीचे रखना चाहता है, हर आदमी को। वो बोलता है भाई जो भी कानून है वो मेरी जेब में रहे, जो मैं बनाऊंगा वो कानून चले सरकार में, पर ये देश में ये नहीं चलेगा। ये जो लोग है जो इसके ऊपर ही मोदी बनाऊंगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 साल है। क्या नाम है आपका? राजविंदर सिंह जी। मैं पंजाब से आया हूँ, मोगा जिले से। अभी 2019 में मोदी जी दोबारा बैठे, बहुत से लोगों ने उनको वोट दिया, वो आप तो नौजवान हो, नौजवानों को नौकरी देने का तो वादा भी किया था, आपको नौकरी मिली है? ना, कोई नौकरी नहीं मिली। नौजवान वही 2-2 किलो में गुजारा कर रहा है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ 6-7 हजार में प्राइवेट, कभी भी बोल देते हैं कल को नहीं आना, बस आज काम बंद है,
ऐसे गुजारा करते हैं लोग करके प्राइवेट फैक्ट्रियां 8000 तो तनखाह शुरू होती है 8000 तो तनखाह शुरू होती है बीटेक की खर्चा तुसी लगा के वेखो 4 सालों का किन्ना खर्चा होंगे तो 8000 कोई तनखाह होंगी किसी चीज़ की एक चपड़ासी की बराबर चपड़ासी की वध तनखाह है जिन्हें बीटेक की हुई है उदे नालो तो गौरमेंट नूं किवें तुसी चंगा कह दोगे। क्या नाम हो आपका? मेरा पवनदीप नाम है, मैं पंजाब से हूँ, संगरूर जिले से। आपका नाम क्या है? बलजिंदर सिंह जी। बठिंडा जिला जी रामपुरा फूल के नज़दीक गिल कलां गाँव है। खेती होती है आपके? हाँ हाँ खेती होती है। किसकी खेती होती है? खेती हम चावल की करते हैं और कनक की करते हैं जी। कितना मिल जाता है साल में, कितनी कमाई है? कमाई तो अपना अपने पे डिपेंड करता है, कितना अपने पास खेत है मैडम, कितनी हम मेहनत करते हैं और कितना निकालते हैं अपने पे डिपेंड करता है आमदन उस पे। एक चीज जो लोग ने इसीलिए मैंने कमाई कहा कि कितना पैसा मिल जाता है, बच जाता है, कितना बचत बताई तो अजकल केड़ी है मैडम, खर्चे के हिसाब नाल की बचता जिमीदार नूं? खर्चा देखो भी कितने तक महंगाई है, किन्ने रुपये डीजल पै रहा है, किन्ने रुपये खाद पै रही है, की वो उपर खर्चा हो रहा, की वो उपर टैक्स पै रहे हैं जिमीदार नूं, तो वो बच्चों की बच रहा है जिमीदार नूं जी। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने कहा कि भाई बात कर लो, किसान का जो कानून है हम किसान के फायदे के लिए लाए हैं, लेकिन पंजाब के किसान क्यों नहीं सुन रहे? नहीं जो जे लागू करना चाहता पर किसान चाहते ही नहीं भी लागू हो, सू की फायदा जो असं चाहते ही नहीं मैडम। एक चीज़ है जो साढ़े उपर धक्के थोपी जा रही है, असं उन्होंने चाहते ही नहीं भी साढ़े लागू की जाए, क्यों साढ़े ते धक्के लागू कर रहे हैं, फायदा ही नहीं, जो तो सानू फायदा नहीं, उन्होंने मोदी साहब नु की पता है भी यदा फायदा। कह रहे हैं कि किसान को अपोजिशन ने भड़का दिया है, नक्सलवादी ने भड़का दिया है, कई बार कहते हैं कि वो खालिस्तानियों ने भगा दिया। मैडम असि अपने हक मांगते हैं तो असि नक्सलवादी हैं, असि आपके हकों दिन रात आपके पिछे परिवार छड के इन्हों सड़कों के उपर बैठे हैं, इन्नी ठंड के इन्हों पाले के इतने असी दिन रात कट रहे हैं, तो असी नक्सलवादी हैं? असी कोई नक्सलवादी नहीं है, कोई असी अतवादी नहीं है, असी एक सारे भाईचारक सांझ के तौर पर अपने हक लिए किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता कट्ठा होया, ये सारे नौजवान पढ़े लिखे। मोदी साहब तुसी कहने खेती नहीं करता, तुसी कहने नौजवान खेती नहीं करता, पर हुण जिन्ना नौजवान खेती कर रहा ना उन्ना कोई नहीं कर रहा, कारण किसे नौजवान नूं नौकरी नहीं मिल रही, जो इन्होंने साढ़े नाल वादे किए सी वो कोई सानू पूरे नहीं होए, घर घर नौकरी कही सी वो सानू मिली नहीं, साढ़े नाल 2 रुपए पर यूनिट का वादा बिजली का किया सी ना सरकारां ने, सानू वो नहीं मिलिया। एक तरफ ये नौजवान उठा रहे हैं बहुत ज़रूरी सवाल, पूछ रहे हैं नौकरी के बारे में, रोज़गार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किसानों के हक के बारे में, और वहीं आइए मिलते हैं नवकिरण से, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ये 29 साल की नौजवान हैं, यहाँ से निकाल रही हैं ट्रॉली टाइम्स, एक ऐसा अखबार जो किसानों की आवाज़ किसानों की ही ज़बान में लोगों तक पहुँचा रहा है और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस पर हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जब नौजवान किसी आंदोलन से जुड़ता है तो वह कितना क्रिएटिव होता है। एक तरफ टीकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक में गोदी मीडिया गो बैक, तमाम चैनलों का बायकॉट हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वे अपना अखबार निकाल रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। आइए मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील, बार काउंसिल में रह चुके बहुत अहम पदों पर अशोक अरोड़ा से, वे भी यहाँ पर बोलने के लिए आए और क्या कहना चाहते हैं वे किसानों से। आपका काम सुप्रीम कोर्ट में है, 1907 के बाद आप पिछले 20-30 साल से या शायद और ज्यादा साल 40 साल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, वहाँ वकील हैं आप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं, हम तो आवाज उठा रहे हैं, फैसला तो जजों ने ही करना है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये एक बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा मुकदमा जिसमें साफ एज गुड एज मैथमेटिक्स, ये कानून की आपको पता है कि पावर ही नहीं है सेंटर की, सारे एग्रीकल्चर जितने भी लॉज हैं स्टेट को बनाने चाहिए, तो इतना इजी विचाई से एज गुड एज मैथमेटिक्स इतने इजी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। अभी पेंडिंग है, हो सकता है उम्मीद है कि इनको, क्योंकि जो लड़ाई है औद्योगिक, जो ये कहते हैं कि हमने फील्ड ओपन कर दिया, ओपन नहीं कर दिया,
ये पंजाबी में यही बात का रिश्ता बराबर वालों में होता है, ये रिश्ता हो ही नहीं सकता है। एक को 4 क्विंटल बेचना है और एक को 50,000 करोड़ का है, और दूसरा सबसे बड़ा इन्होंने पाप ये किया जो जुडिशरी की जुरिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी। एसडीएम के पास जाएगा तो एसडीएम डीएम ये सारे तो आपको पता है कहाँ बिके होते हैं। सरकार को एक ये कानून में चेंज करना भी मैं समझता हूँ एक बहुत गलत बात थी। तीसरी सबसे बड़ी बड़ी जो इन्होंने गलत बात की है, जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी खत्म कर दिया, उससे सिर्फ क्या होगा, उद्योगपति जोड़ लेगा अपना जितना मजा, 500 करोड़ 1,000 करोड़, तो आम किसान की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। किसानों ने जो चैलेंज मोदी सरकार के सामने पेश किया है वह बहुत कठिन है, और शायद 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार को इतनी तगड़ी फाइट किसी और ने, किसी और समूह ने नहीं दी। और जिस तरह से किसानों के पक्ष में बाकी व्यापक जनमानस खड़ा हुआ है, इनका अपना एक अलग मैकेनिज्म बन रहा है, वह निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि देश को बचाने वाली ताकतें, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी ताकतें कमज़ोर और संख्या में कम नहीं है। Thank you.